और आयात का हवाला दे दूँ, उसके बाद तर्जमा और ख़ुलासा मतलब अर्ज़ कर दूँगा। इसके बाद फिर लफ्ज़ तावील आता है ख़ुद क़ुरान मजीद में, और ये सूरह मुबारक आराफ में है। सूरह मुबारक आराफ में अजब अंदाज़ से हल यनज़ुरून इल्ला तावीला, हल यनज़ुरून इल्ला तावीला, यानी कयामत का हंगाम है, लोग आ रहे हैं, नेकुकार बंदे अल्लाह की नेमतें देख रहे हैं, और जो गुनाहगार हैं उनके सामने एक हौलनाक मंज़र है, मायूसी है, आगे जहन्नम है, एक अजीब चीज़ है। और वहाँ पर आवाज़ दी जा रही है हल यनज़ुरून इल्ला तावीला, ये क्या कुछ और देख रहे हैं बजुस तावील के। अब सोचिए कि जब कुदरत वहाँ इस तरह से मुतनब्बिह करे, क्या कुछ और नज़र आ रहा है तुम्हें तावील के अलावा। तो मैं दस्ते अदब जोड़ के बस ये अर्ज़ करूँगा कि कबल इसके कि वहाँ कहा जाए कि कुछ और नज़र आ रहा है तावील के अलावा, यहाँ इसी दुनिया में तावील की जस्तजू कर लें। कुरान इस तरह पढ़ें, कुरान पढ़ें अल्फाज़ कुरान, तर्जमा कुरान, तफसीर कुरान, तावील कुरान, तावील हक, तावील बरहक। ये मैं आयात पढ़ रहा हूँ आपके साथ।